अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड क्रिएशन। सो आज मैं आपके लिए बेहद ही लजीज, बेहद ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इसे हैदराबादी बिरयानी कहते हैं, इसे दम बिरयानी भी कहते हैं। तो इसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसकी मांग की थी कि आप हमारे साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कीजिए। तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद है, तो लास्ट तक वो वीडियो ज़रूर देखें। सो मैंने यहाँ पर अपने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, और जीरा मिर्च लिया है, धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, 10 से 12 हरी मिर्च ली है। मैंने यहाँ पे नमक लिया है, और देन मैंने यहाँ पे अजीनोमोटो नमक लिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले ऐड अप किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारे गरम मसाले। मैंने अभी घर के फ्रेश दही भी ऐड की है। इसके बाद मैंने कुछ प्याज को फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 kg चिकन लिया है, और अब इसे मैं मैरिनेट करूँगी। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट मैं ऐड करूँगी। देन इसके बाद मैं घर की फ्रेश दही ऐड करूँगी। इसके बाद मैं पिसी हुई हरी मिर्च ऐड करूँगी। ये हरी मिर्च मैं यहाँ पे 4 चम्मच यूज़ करूँगी, और बाकी का मैं हरी मिर्च अपने चावल के अंदर डालूँगी। मैं यहाँ पे रेड मिर्च का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने ये ज़ीरा पाउडर लिया है, ये 1 स्पून है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया, ये भी 1 स्पून है। देन यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने नमक को ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे अजीनोमोटो नमक। इससे हमारे चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और बहुत जल्दी ये चिकन को हमें हमारे गला देता है। तो इसे मैं ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें वरना ना करें ऐड। देन इसे हम अच्छे से मिक्सअप कर देंगे, और सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। देन इसको हम इसको मैरिनेट करने के लिए एक छोटे से बाउल में शिफ्ट करेंगे। और इसे मैंने मैक्सिमम 3 आवर्स इसे मैरिनेट किया था। आप अपने अकॉर्डिंग 1 आवर भी कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने यहाँ पे 3 आवर्स इसे मैरिनेट करने के रख दिया था फ्रिज में। देन 3 आवर्स के बाद मैंने एक पैन में तेल हीट किया था। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन को ऐड अप किया था। गाइस, यहाँ पे मेरी क्लिप्स मुझसे मिस हो गई थी, सो मैंने यहाँ पे बहुत जद्दोजहद करके क्लिप्स मैंने ढूँढी हैं, तो कुछ क्लिप्स मुझसे मिस हो गई हैं। सो मैंने यहाँ पे चिकन को पूरा फ्राई नहीं, पूरा कुक नहीं किया है। मैं इसे 50% 60% आप इसे कुक कर लीजिए, एंड देन 40% आप इसे कच्चा रहने दीजिए, क्योंकि लास्ट में हम इसे दम बिरयानी बना रहे हैं। तो ये हमारे पतीले में जब जाएंगे तो इसमें दम लगेगा, तो ये अगर हम इसे ज़्यादा कुक कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगी, और सारी बोटीज इसकी अलग अलग हो जाएंगी। देन मैंने यहाँ पे चावल लिया है, मैंने यहाँ पे 1 kg चावल लिया। इसे मैंने सोक होने के लिए रख दिया था, भिगो दिया था मैंने इसे 1 आवर पहले, तो ये अच्छे से सोक हो चुका है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग चावल लें, आप कितने चावल से बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ 1 kg चावल लिया है। सो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें कि आप किस हिसाब से आप बिरयानी में ऑयल पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल मैं बहुत कम यूज़ ऑयल करती हूँ। देन इसे हीट होने तक इंतज़ार करेंगे। इसके अंदर हम ये अपने सारे गरम मसाले ऐड अप करेंगे। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है, जैसे कि मैंने बताया था मुझसे क्लिप मिस हो गई है, तो मैं इसे प्रॉपर नहीं दिखा पाई। सो मसाले वो कलर चेंज होने तक वेट करेंगे, और हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा अलर्ट होके डालेंगे। आप देख सकते हैं जब मैंने पानी डाला है तो इसमें क्या हुआ है, तो प्लीज़ आप अलर्ट होके डालें। देन मैंने यहाँ पे अपने चावल 1 kg लिए थे, तो मैंने यहाँ पहले ही इसे मेज़रमेंट कर लिया था, तो मैं अपने चावल में इस ग्लास से देन आप मेज़रमेंट करके ही डालें तो बेस्ट रहेगा।
देन इसके बाद मैं ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमारा चिकन में भी है तो आप ध्यान रहे कि यहाँ पे आप नमक अपना उसे ध्यान रख के ही ऐड करें। देन इसके बाद जो हमारी हरी मिर्च बची हुई थी मैं उसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड किया है। देन इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। देन इन सबको हम उबलने तक का वेट करेंगे और जब हमारी पतीली में उबल आ जाएगी तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। देन आपको यहाँ पे एक बात को और ध्यान रखना है कि चावल को हमें पूरा कुक नहीं करना, आपको इसे भी 60% और 70% ही कुक करना है क्योंकि ये दम बिरयानी है, लास्ट में हम इसमें दम लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ढक दिया, आप देख सकते हैं चावल में भी वाटर है। तो आपको वेट करना है, आपको पूरा कुक नहीं करना, तो इस बात का आप ध्यान रहें। आप चाहे तो पूरा कुक करके बनाएं, बट मैं यहाँ पे दम बिरयानी बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे पूरा कुक नहीं करूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐड किया है और यहाँ पे मैंने 2 स्कोप लिया है। इससे चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, वन सारे चावल फाइन से दिखते हैं। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आप इसकी चाहे तो नींबू ऐड कर सकते हैं। सो अब हम इसे ढक देंगे और इसे हमें पूरा कुक नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे पूरा कुक नहीं करना। सो यहाँ पे मैंने इसे 60% ही कुक किया है। देन इसमें मैं ऐड करूँगी अपनी चिकन। चिकन को भी मैंने पूरा कुक नहीं किया था और मैं सारे चिकन को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी। यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है तो इसे मैं ऐसे करके डाल दूँगी। ऐसे में मिडल में मैंने इसे कट किया कि इसे फ्लेवर इसके अंदर तक जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्लाइसेस वाइज नींबू कट किया है, तो मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी इस तरीके से। देन इसके बाद मैंने हरी मिर्च और पुदीने की पत्ती बारीक कट कर ली है, इसको मैं ऐड कर लूँगी। आपको पुदीना ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप ज़्यादा पुदीना ऐड करें, पुदीने का फ्लेवर एक अलग ही आता है। इसके बाद जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसके बाद मैं ये ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा 2 ड्रॉप केवड़ा यूज़ कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। देन इसको बाद मैं ढक दूँगी और देन इसको मैं एक आटे के डोए से मैं इसे इस तरीके से मैं इसे पूरे में लगा लूँगी कि इसका गैस रिलीज़ ना हो, गैस इसी के अंदर रहे और इसे जो हमने 60% चावल एंड चिकन को कुक किया था वो पूरा 100% कुक हो जाए। और इस तरीके से हमारे चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जब हम इस तरीके से बनाते हैं। देन ये मेरी रेसिपी थी, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने अपने तरीके से बताया है। देन इसको हम किसी भारी ऑब्जेक्ट से या किसी इस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे कि हमारी गैस रिलीज़ ना हो इससे। और इसे मैंने 10 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पे, आपको ध्यान रहे कि आपका फ्लेम बिल्कुल मीडियम हो, उस पर मैंने कुक किया था। सो आइए अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन आप प्लीज़ केयरफुली होके करें। देन इसको ओपन करते टाइम जो स्मेल आई थी बिल्कुल लाजवाब स्मेल थी। एंड देन इसे खाने में इसके जो चावल थे और चिकन था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट
था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई थी। सो आप भी बनाएं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी बिरयानी कैसे बनी। और यहाँ पे मैंने सर्व करने के लिए यहाँ पे 2 अंडे ऊपर से रखे हैं। सो इस तरीके से ही हैदराबादी बिरयानी सर्व होती है अंडों के साथ। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर्स।